वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही प्यारा डबल कलर का निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बेबी स्वेटर में, गर्ल्स फ्रॉक में, टॉप में, बॉर्डर में, किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन जो है 4 रो में कम्प्लीट होता है और जो है रॉन्ग साइड से शुरू होता है। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमने सिलाई में जो है 8 नंबर में घूरे डाले हैं, यानी 3, 5, 7, 9, 11 के मल्टीपल में घूरे डाले हैं। हमने इसमें 25 घूरे डाले हैं और जो पहली सिलाई है हमने उल्टी बुन दी है। ये डिज़ाइन जो है रॉन्ग साइड से शुरू होता है। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, इसमें हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा जो है हम उल्टा बुन देंगे, दूसरा फंदा स्किप करेंगे, तीसरा उल्टा बुन देंगे, नेक्स्ट फंदा स्किप करेंगे, फिर उल्टा बुन देंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर उल्टा बुन देंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर उल्टा बुन देंगे। इसी तरीके से हम ये रो जो है पूरी अपनी कंप्लीट करते जाएंगे। राइट साइड सेकेंड रो, इसमें हम जो है सारे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बुन देंगे, जो हमने स्किप किए हैं वो भी हम उल्टे उल्टे बुन देंगे। इसी तरीके से हम अपनी ये जो सेकेंड रो राइट साइड है अपनी पूरी कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपनी थर्ड रो यानी कि रॉन्ग साइड में हैं। यहाँ पे हम धागा अपना चेंज करेंगे। इस बारी जो है हम पहले 2 फंदे जो है उल्टे बुन देंगे, एक फंदा स्किप करेंगे, फिर एक उल्टा बना देंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर एक बना देंगे। इसी तरीके से एक स्किप करेंगे, एक बना देंगे, एक स्किप करेंगे, एक बना देंगे और अपनी रो जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 फंदे बुने थे और यहाँ पे हमें एंड में भी जो है 2 फंदे रहने चाहिए बुनने के लिए, जिससे जो डिज़ाइन पैटर्न है बैलेंस हो जाएगा। अब हम अपनी फोर्थ और लास्ट रो राइट साइड पे हैं, जिसमें हमने कि सारे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बुन देने हैं। जो हमने स्किप किए थे वो भी हमने उल्टे उल्टे बुन देने हैं। इसी तरीके से हम ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे और अपनी जो है फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी रो 1, 2, 4 बन के तैयार हो गई है और ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से लगता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम अपनी रो 1, 2, 4 को बार बार रिपीट करेंगे, हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके का बन के आएगा। ये डिज़ाइन पैटर्न देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी ही इतना ही आसान है। आप इसे बॉर्डर में, बेबी स्वेटर में, गर्ल्स फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये निटिंग पैटर्न अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।